सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो भाई लोगों। तो एक और न्यू ब्लॉग वीडियो से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। तो कैसे भाई लोगों आप सभी, और कैसे आपकी सुबह जा रही है। तो गाइस मैं तो यहाँ पे बढ़िया हूँ यार। अभी फिलहाल मैं उठा हूँ, यू नो आजकल देर हो जा रही है यार उठने में, 7:30 बज जा रहे हैं। क्योंकि भाई रात को बहुत देर सोता हूँ, क्या यार सुबह के लिए फिर आइडिया कलेक्ट करने पड़ते हैं, अगली सुबह क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तो गाइस वैसा आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने आज भाई नई टी शर्ट पे आनी है। वाई कैसी लग रही है वैसे, बढ़िया लग रही ना। मेरी मम्मी ले गई, ठीक है। कैसी लग रही है भाई, बहुत दिनों बाद मस्त कपड़े पहने मैंने। तो भाई भाई लोग कैसा जा रहा है आपका मॉर्निंग रूट, कैसे जा रहा है। आई होप आप सभी लोगों का टाइम मस्त जा रहा होगा। या मैं तो चाय पीता हूँ, मुझे आज ऐसा लग रहा है ना, चाय में चीनी दोबारा डाल दी क्या, आज चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो गई है। अपने फूल दिखा देता हूँ, ये रहा देखिए, ये वाला फूल देखा है गाइस आपने। गाइस ये जब खेलता है ना इसी तरीके से खेलता है भाई, पूरी जगह खेल लेता है। और इस फिर इसमें फूल्स के अलावा कुछ नहीं दिखता है, इसमें फूल ही फूल दिखते हैं, पत्ते तो दिखते ही नहीं है। ये छोटा सा है अभी यहाँ पर, जब ये बड़ा होता है तो इधर पूरे में फैल जाता है, ठीक है। ये है अभी छोटा सा है ये फिलहाल, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको फिलहाल ये वाले फूल। तो गाइस मैंने आपको दिखाए थे पहले भी, ये तो ऐसे ही हैं मतलब जंगली टाइप, ये उग जाते हैं अपने आप ही बरसात के टाइम पे। ये है इसमें, और आप देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे उग जाता है, ठीक है। अभी बाकी गाइस यहाँ पे साइड साइड में हमने गेंदे के फूल लगा रखे हैं दिवाली के लिए। और गाइस एक फूल ये है, तो गाइस ये तो बहुत ही प्यारा होता है यार, ये इतने बड़े बड़े फूल होते हैं ना इसमें, मतलब पूरा गुच्छा टाइप का आता है, इतना बड़ा लोटे के साइज का, तो ये बड़ा मस्त लगता है अगर ये खिल जाता ना अच्छे से तो भाई इसमें भी भाई फिर फूल ही फूल दिखता है, पत्ते तो दिखते ही नहीं। ओह ये तीन जने यहाँ पे लगे हैं, 1-2-3 इनका ग्रुप है, एक परिवार है इनका यहाँ पर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, देखिए कल रात को अंकल जी ये फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि उनका फ़ोन चल नहीं रहा था, अपने आप ही चल रहा था भाई वो। तो उसमें ऐसा हुआ था कि बीच बीच में वो नोटिफिकेशन आ रहे थे, बीच में आप कुछ भी काम करो तो ना पूरी स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन आ जा रहा है कि आपका फ़ोन खाली करना है, ये वायरस ऐसा करके पूरी स्क्रीन में फैल गया था। तो उसमें क्या हो रहा था गाइस, तो वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी, देखिए नोटिफिकेशन तो नॉर्मल सी बात है, जब भी आप किसी वेबसाइट में विजिट करते हो तो नोटिफिकेशन वहाँ पे आते ही आते हैं, नॉर्मल चीज़ है। पर वहाँ पे एक चीज़ और मैंने देखी, जब मैं उसको ठीक कर रहा था, अंकल जी ने मुझे अपना फ़ोन दिया, उन्होंने बोला यार देख तो क्या हो रहा है इसमें, वायरस जैसा आ गया है, चल नहीं रहा, और बीच बीच में नोटिफिकेशन आ रहा है आपका फ़ोन खाली करो, ये करो, फ़ोन फुल हो गया है, बैटरी बैकअप क्लीन अप करो। क्योंकि उसमें जब मैं उसको ठीक कर रहा था, वैसे उसमें 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड थे फ़ोन में, ठीक है, 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड थे, पर वो एप्लीकेशन शो नहीं कर रहे थे। आप अपने नॉर्मल फ़ोन में देखते हो ना इतने एप्लीकेशन हैं, तो वो दिख ही नहीं रहे थे बिल्कुल ही। मैंने सेटिंग्स में जाके देखा, वहाँ पे भी नहीं दिख रहे थे, फिर मैंने प्ले स्टोर में जाके देखा, वहाँ पे भी नहीं दिख रहे थे। और मैंने कहा ये चल क्या रहा है, इसमें एप्लीकेशन है नहीं, पर एड्स बार बार आ रहे हैं, जबकि ऊपर दिखा रहा था MI के ब्राउज़र से आ रहे थे वो एड्स। तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले ही ये ब्राउज़र पर भरोसा नहीं हुआ MI के, तो मैं भाई ने इनको ब्लॉक करके रखा था बिल्कुल। तो भाई मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी ना, जब ये मैं सेटिंग्स में जाके काम कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा वो क्या करता था, जिस चीज़ में भी काम कर रहा हूँ उसका एक कॉपी बना दे रहा था, उसकी कॉपी बना के मेरे सामने डाल दे रहा था, और मैं उस कॉपी में काम करने जा रहा था। तो मतलब मीन्स ऐसा हो रहा था, अगर मैं अपने फेसबुक अकाउंट या ट्विटर या इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर रहा होता हूँ पासवर्ड डाल के, और वो अगर पॉपअप वहाँ पे बीच में आ जाए, तो वो पॉपअप कैसे बन के आएगा, वो मेरे लॉगिन पेज का ही कॉपी बना के मेरे सामने डाल दे रहा था। तो मीन्स क्या हो रहा था, वो जो था वो नकली पेज था, वो मेरे ओरिजिनल पेज को रिप्लेस कर देता, अगर मैं गलती से उसमें ID पासवर्ड डाल देता तो उसके उसमें चले जाता, और जो भी बंदा इसका यूज़ कर रहा होता उसके पास ID चली जाती। तो वैसे आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मैंने अपनी गुरु आई वाले चैनल में इस पर वीडियो भी बनाई है, कैसे आप अनऑथराइज्ड अनऑथेंटिक वेबसाइट में मत जाओ, अगर वहाँ पे जाते हो तो केयरफुली रह के वहाँ पे
कोई भी नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रीन में पॉपअप होता है तो उसको केयरफुली आपने वहाँ पे रीड करना है, ठीक है, यस करना है, नो करना है। तो मैक्सिमम ही आप जब भी फ़ोन में या लैपटॉप या पीसी में यहाँ पे वेबसाइट में जाते हो तो ये नोटिफिकेशन को ब्लॉक करके रखना है, ठीक है। फ़ोन में ज़्यादातर होता है ऐसा, फ़ोन में ज़्यादातर होता है, तो ये ना आपका फ़ोन हैक होने की और अपनी प्राइवेसी हैक होने की यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे आप सब ठीक हो गए, मैंने ठीक कर दिया था, उसके बाद मैंने उसको तीनों वो कर दिए थे, रिमूव कर दिए थे, तीनों एप्लीकेशन रिमूव कर दिए थे, इसके बाद ठीक हो गया था। तो गाइस अभी तो फिलहाल मेरी यहाँ पे चाय ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और गाइस जिसको मेरी टी शर्ट सही लग रही है कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। मस्त लग रहा हूँ मैं आज, मैं हैंडसम टाइप लग रहा हूँ, वैसे मैं हैंडसम हुई आज, ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, चाय पीता हूँ मैं जाके, थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ, फिर अभी ब्लॉग भी अपलोड करना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस, जय हिंद, बाय।